नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूजेरॉन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्टूजेरॉन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्टूजेरॉन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्टूजेरॉन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्टूजेरॉन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्टूजेरॉन टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्टूजेरॉन टैबलेट का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी डॉक्टर स्टूजेरॉन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। सफर में जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए डॉक्टर स्टूजेरॉन टैबलेट के साथ साथ वर्टिन टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकते हैं। स्टूजेरॉन एक ब्रांड नेम है। स्टूजेरॉन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिनार्जिन 25 mg होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टूजेरॉन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्टूजेरॉन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में स्टूजेरॉन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, नींद ज्यादा आना और वजन का बढ़ना आदि साइड इफेक्ट्स स्टूजेरॉन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टूजेरॉन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। स्टूजेरॉन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्टूजेरॉन 25 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए स्टूजेरॉन टैबलेट को लेते हैं, तो स्टूजेरॉन टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रिकमेंडेड होता है। स्टूजेरॉन टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको स्टूजेरॉन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना स्टूजेरॉन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टूजेरॉन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्टूजेरॉन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्टूजेरॉन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और स्टूजेरॉन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टूजेरॉन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। पार्किंसंस डिजीज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर स्टूजेरॉन टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना स्टूजेरॉन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्टूजेरॉन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को स्टूजेरॉन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं स्टूजेरॉन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए स्टूजेरॉन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्टूजेरॉन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्टूजेरॉन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।